हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एमपीजी के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। ये वो क्वेश्चन हैं जो एमपी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसे वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो सन 1956 को मध्य प्रदेश में 37 जिले थे और छत्तीसगढ़ सहित कुल मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। सन 1998 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? उस समय कुल 61 जिले थे। अलीराजपुर जिला कब बना? अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को बना। 23 मई 2008 को कौन सा जिला बनाया गया? 23 मई 2008 को सिंगरौली जिला बनाया गया, जो कि 50वां जिला था। अशोकनगर को किस जिले से अलग किया गया? अशोकनगर को गुना जिले से अलग किया गया। भोपाल जिला कब बनाया गया? सन 1975 में दो जिले बने थे, एक भोपाल और एक राजनंदगांव। यह बना था 1972 में, 26 जनवरी 1972 को। 26 जनवरी 1972 को कौन सा जिला बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को भोपाल के साथ साथ राजनंदगांव को भी जिला बनाया गया। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के समीप है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिला पंचायत हैं? 52 जिला पंचायत हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने कंट्रोल रूम हैं? 53 कंट्रोल रूम हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो कुल पुलिस थानों की संख्या है 1035। विश्व के 10% पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विश्व के 10% पार्क है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य लगभग कितने समय का अंतर है? तो पूर्वी छोर सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर के बीच लगभग आधे घंटे या 30 मिनट का समय का अंतर है। साल बीज वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो साल बीज वृक्ष है उस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में किया गया। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सन 1964 में हुआ। वृक्ष मित्र पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? वृक्ष मित्र पुरस्कार 1975 से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई? सन 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ये सन ध्यान रखना, ये पूछे गए हैं। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? सन 1994 में प्रारंभ हुआ। पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई? सन 1976 में प्रारंभ की गई। सामाजिक वानिकी योजना किस सन से लागू की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना सन 1976 से लागू की गई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन संस्थान है। संजीवनी विकास निगम का संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में संजीवनी विकास निगम का संस्थान है। इको पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? सन 2005 में इको पर्यटन निगम की स्थापना की गई। नर्मदा सोन और जाहिला नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अमरकंटक से नर्मदा सोन और जाहिला नदियाँ निकलती है। कबीर चबूतरा कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में है। एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड सोहागपुर में है, जो कि सिंगरौली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे तीसरा बड़ा जिला सीधी है। राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सीधी में। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? रीवा शहर में। सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1968 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र कहाँ पर है? रीवा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? रीवा में। छतरपुर शहर का नाम किसने रखा? छतरपुर शहर का नाम
राजपूत छत्रसाल ने रखा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? दमोह में। सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित जिले की लिस्ट में शिवपुर सबसे ऊपर है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी संस्थान कहाँ पर है? सागर में। हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1946 में। क्लोज प्लेट क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है? छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट तक। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ध्यान रखना बलुआ पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में किस क्रम की चट्टानों का विस्तार है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो कि लगभग 28% है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 से 1360 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जो कि 881 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में लगभग 4 पहाड़ियाँ हैं, जो मुख्य है बड़वानी पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, विजयगढ़ पहाड़ी और धूपगढ़ चोटी। मालवा पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई अभी देखा 881 मीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6 है। सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? उस समय 8 संभाग थे। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? वर्ष 2003 में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के मध्य किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, उनके द्वारा हुआ था। सांची स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिले में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन कौन से दो महाजनपद है? तो वर्तमान में अभी भी चेरी और अवंती दो महाजनपद है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में किसका शासन था? तो उनके पतन के पश्चात शुंग वंश का शासन चला था। कल्कीतुर्रा गायन किस क्षेत्र का प्रमुख है? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख कल्कीतुर्रा गायन है। सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति उस समय उत्तरी अक्षांश 17° 40' से 26° 30' उत्तरी अक्षांश तक और 74° 9' पूर्वी देशांतर से 84° 51' पूर्वी देशांतर तक फैला। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किस स्थान से संबंधित थे? तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे उस समय। 29 जनवरी 1940 को कांग्रेस का 12वां अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में, और इतिहास में जबलपुर को त्रिपुरी भी कहा जाता है, त्रिपुरी। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1980 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विंध्य गगा क्षेत्र कौन से संभाग से संबंधित है? तो रीवा संभाग से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार कितने प्रतिशत है? लगभग 28%। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है, जो लगभग 7% है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर है? सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर फैला है। बालाघाट जिला किन दो राज्यों की सीमाओं को छूता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दो राज्यों की सीमाओं को छूता है। सिंगरौली किन दो राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों की सीमाओं को छूता है। वाग्डक वंश का मूल निवास स्थान कौन सा था? बुंदेलखंड। कमाल मोला मस्जिद कहाँ पर है? तो कमाल मोला मस्जिद धार जिले में स्थित है। दिलावर खां मस्जिद कहाँ पर है? तो दिलावर खां मस्जिद वर्तमान में मांडू में है। इस प्रकार हमने आज लगभग 50 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपने MPGK के फुल लेंथ वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह हम अगले 50 क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।